हेलो व्हाट्सअप का इस मानव विनोद बाजू था एंड टूड दिस वीडियो वी विल सी यूज स्टेट हुक इन आवर रिएक्ट जेस जी हाँ गास्त तो फाइनली आज के दिन से हम हुक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे रिएक्ट सीरीज में हालांकि मैं ऑलरेडी यूज स्टेट हुक के ऊपर पहले भी वीडियो अपलोड कर चुका हूं बट मैंने सोचा हुक्स अगर हम पढ़ रहे देन यूज स्टेट बताना ज़रूरी है एंड हम अगर कुछ रह गया होगा तो आज हम इस वीडियो में समझ लेंगे जैसे कि द यूज स्टेट हुक इज अ फंडामेंटल हुक इन रिएक्ट दैट अलाउज़ यू टू एड स्टेट मैनेजमेंट टू योर फंक्शनल कम्पोनेट अब इसलिए हमें मालूम था हमारे फंक्शनल कम्पोनेंट में स्टेट मैनेजमेंट का पावर कौन देता है हमें हुक्स देता है एंड उसमें से भी सबसे पहला हम यूज स्टेट हुक का यूज़ करते क्योंकि इट्स सिंपल एंड सभी लोग इसी से ही स्टार्ट करते हैं देन इट लेट्स यू स्टोर एंड अपडेट वैल्यूज डेट चेंज ओवर टाइम एनेबलिंग डायनेमिक एंड इंटरैक्टिव यूज इंटरफेसेस मुझे लगता है कि हम इसको ऑलरेडी पहले एक बार देख चुके थे एंड ऑल्सो हमने टू डू एप्लीकेशन ऑलरेडी क्रिएट की है जिसमें हमने यूज स्टेट हुक को बहुत अच्छे से समझा है सो आई गेस दिस इज द बेस्ट पार्ट फॉर यू गाइज जहाँ पे आप इसको एज ए रिफ्रेश की तरह ले सकते हो एंड फिर से आप एक क्विक इसको आई गेस आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो बट मुझे लगा बताना जरूरी है तो ये आपका वेरिएबल कहलाता है ये आपका करेंट स्टेट कहलाता है ठीक है या तो आपका जो स्टेट वेरिएबल दिस इज योर अपडेटेड और अ सेटर फंक्शन एंड दिस इज योर एक्चुअल इनिशियल वैल्यू विच वी हैव ओवर हियर ये बेसिकली यहाँ पे होना चाहिए था कुछ वो आ, इस तरीके से ठीक है बट आप समझ जाओ ये आपका इनिशियल वैल्यू है एंड दिस इज योर यूज स्टेट तो कुछ चीज़ें हैं रूल्स जो मैं आपको बताऊंगा एट द एंड में आप इसको पॉज करके चेकआउट कर सकते हो बट अब हम जल्दी से चलते हैं हमारे कोड एडिटर पे एंड इस कोड एडिटर पे अब हम क्या करेंगे हमारा जो हुक्स है ऑलरेडी आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेट लिखा है बट अब मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करने जा रहा हूँ यूज स्टेट करके ठीक है उसके अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करने जा रहा हूँ इंडेक्स डॉट जे एस एक्स करके ठीक है अब इसमें हमारा जो भी कोड आएगा इसके अंदर आने वाला है एंड ये जो पर्टिकुलर कोड है इसको मैं बता देता हूँ कि क्या क्या गलत था इसमें तो उसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ इनकी मुझे नीड नहीं है चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं अब मैं यहाँ पर जल्दी से चलता हूँ तो हम क्या करेंगे तो देखो गाइस क्या होता है सबसे पहले एक्सपोर्ट कॉन्स्ट काउंटो विल भी इक्वल टू देखो अब भले ही आपका कंपोनेंट का नाम कुछ भी हो आप यहाँ पे आई मीन आपने फाइल जिस भी नाम से बनाए हो कंपोनेंट जब आप क्रिएट करें तब आप नाम चेंज कर सकते हो एंड वही फिर फिक्स हो जाता है रिटर्न अब इसकी भी मुझे नीड नहीं बिकॉज वी हैव वन डेप ऑलरेडी एट द टॉप तो मैंने क्या रखा है कंटेनर एंड ये कुछ क्लासेस है जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा तो मैं क्या करता हूँ टॉप पे चलता हूँ एंड यहाँ पे इम्पोर्ट डॉट फॉरवर्ड स्लैश Uh, एक और डॉट फॉरवर्ड स्लैश कर देता हूँ एंड हुक्स डॉट सी एस एस ठीक है ऑल राइट ना अब इसके अंदर मैं चल रहा हूँ यहाँ पे एक बी आर दे देता हूँ यहाँ पे एक पैराग्राफ जिसमें हमें काउंट की वैल्यू मिलने वाली है तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक और पैराग्राफ में काउंट ऐड कर दी है देन वी हैव अ बटन एंड जब भी इस बटन पे कोई करेगा क्लिक तो ऑबियसली वो जो मेरा काउंटर है उसको मुझे अपग्रेड uh, करना है बाई वन ठीक है इंक्रीमेंट लिख देता हूँ मैं यहाँ पर ऑल राइट right. अब ये जो काउंटर है एंड ऑब्वियसली मेक श्योर आपका क्या कंपोनेंट uh, ऑलवेज इस तरीके से कैपिटल होना चाहिए एंड यहाँ पे इसको मैं हटाता हूँ इसकी मुझे नीड नहीं है हुक्स को मैं अभी हटा रहा हूँ यहाँ पे मैं चलता हूँ ये जो पर्टिकुलर पार्ट part है ठीक है इन सब को मैं हटा रहा हूँ अब इवन अब इसको भी मैं हटा रहा हूँ कोई मुझे नीड नहीं है इसकी जगह एंटर हिट करता एंड इनमें पेश कर देता हूँ दिस इज़ इट चलो ठीक है इतना मेरा काम हो गया है अब ये जो पर्टिकुलर कोड है इसको भी मैं यहाँ से हटा रहा हूँ परफेक्ट वी हैव वन काउंटर ठीक है मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ एंड इसको मैं अगर रन करके आपको दिखाऊँ तो फिलहाल आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा बता रहा है कि एट्रीब्यूट मस्ट ओनली बी असाइंड अ नॉन एम एक्सप्रेशन बेसिकली इसके कारण uh, हमें वार्निंग आ रही है एंड ओवर हियर ऑल राइट ठीक है सो so, गैस आप देख सकते हो कि कुछ वो हमें इस तरीके से दिखाई दे रहा बटन को मैं थोड़ा सा बेटर कर सकता हूँ बिकॉज आई हैव वन क्लास नेम आई गेस इट्स है बटन या है स्टेट बटन करके नाम रखा हुआ इसका. आया, तो मुझे इसकी वैल्यू को अपडेट करना है ठीक है अब मैं कैसे करता हूं यूज स्टेट लगने वाला है तो सबसे पहली बात देखो कंसोल डॉट लॉग में फिर से आप लोगों को बिहाइंड uh, you know, लेके जाना चाहूंगा जब आप uh, यूज स्टेट को अगर आप कंसोल करते हो आप यूज स्टेट फ्रॉम योर रिएक्ट एप्लीकेशन ठीक है जब आप ये करते हो एंड हम इंस्पेक्ट पे चलते हैं कंसोल पे चलते हैं इसको फ़िलहाल अभी मैं हटा रहा हूँ बट यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो डैट इज़ जब आप यूज स्टेट को कंसोल करते हो यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो कि आपको एरे आई मीन यूज स्टेट को जब आप कंसोल करते हो तब आपको एक एरे मिलता है विथ टू एलिमेंट्स जिसमें से भी जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो तो एक अनडिफाइंड है सेकेंड आपका एक फंक्शन है ठीक है अभी जो अनडिफाइंड है क्यों ना मैं अगर यहाँ पे लेट्स से फाइव लिख देता हूँ अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ इसको फिर से मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तब अगर मैं वापस आपको ये दिखाऊं तो थोड़ी देर पहले जो हमें अनडिफाइंड uh, जो मिल रहा था अब उसकी वैल्यू फाइव हो गई है इससे हमें एक चीज़ तो ये पता चलता है यूज स्टेट जब आप यूज कर रहे हो इट रिटर्न एन एरे विथ टू एलिमेंट्स एंड उस एलिमेंट्स में भी अगर आप ये जो यूज स्टेट में ये वैल्यू जो है ये पैरेंथिस के अंदर जो भी वैल्यू दे रहे हो तो वो जो दो एलिमेंट को रिटर्न कर रहा है उसमें से भी जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो बेसिकली ये डिफाइन कर रहा है ठीक है डेट्स वाई अगर मैं वापस बैक चलता हूँ तो मैंने जो आपसे क्या कहा था कि यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर पार्ट part है ये है आपका इनिशियल वैल्यू ऑफ आवर एक्चुअल स्टेट एंड हमारा स्टेट कौन है ये है सो दिस इज योर एक्चुअल सिंटेक्स एंड ये क्यों आपको पता चल गया एंड ये कैसे बना ये भी आपको पता चला ह्यूज स्टेट कंसोल में हम एक एरे रिटर्न करता है विथ टू एलिमेंट जिसमें से फर्स्ट है आपका स्टेट वेरिएबल एंड सेकेंड इज योर फंक्शन जो कि आपका फंक्शन का मेन काम है सिर्फ इसकी वैल्यू को अपडेट करना ठीक है आई होप ये एक रिफ्रेशर आपका आपके लिए बहुत बेस्ट हो गया होगा है ना तो अब मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ चलो इसको मैं हटा देता हूँ अब कोई काम नहीं इसका सो so, कॉन्स्ट हमें काउंट करके एक स्टेट वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं एंड कन्वेंसन है आपको सेट यूज़ करना पड़ेगा एंड देन वी हैव दिस काउंट ठीक है एंड यूज हमने हुक पढ़ा था कि आपको यूज़ लिखना पड़ता है बाई डिफॉल्ट मैं वैल्यू जीरो दे रहा हूँ अब यहाँ पे जो काउंट है इसको मैं कल्ली ब्रेसेस के अंदर कर दे रहा हूँ ठीक है सो दिस इज योर काउंट अब जब भी कोई इस बटन पे करेगा क्लिक अब जब भी कोई इस बटन पे करेगा क्लिक देन वी हैव दिस सेट काउंट है ना जिस पे इक्वल टू सेट काउंट जो है हमारा इस तरीके से यहाँ पे मैं कर दूँगा मेरा जो भी काउंट की वैल्यू होगी प्लस वन इस तरीके से ठीक है तो ये मैंने कर दी ये आपका एक कमेंट होता है बेसिकली उसको आप हटा दीजिए एंड काउंट यहाँ पे कैपिटल आई मीन स्मॉल सी में होगा तो अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ जब जब मैं क्लिक करूंगा गाइस इसकी वैल्यू अब अपडेट हो रही है बाय वन सो दिस इज़ आर योर यूज स्टेट हुक वर्क्स एंड आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा एंड आई नो ये बहुत ईजी था एंड हम ऑलरेडी देख चुके थे बट मैंने सोचा अगर हम हुक्स स्टार्ट कर रहे हैं देन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो गाइस कल का वीडियो बहुत औसम awesome होगा कल की वीडियो में मैं आपको यूज स्टेट हुक का चैलेंज देने वाला हूँ तब आपको पता चल जाएगा कि कितना आपको आ रहा है तब मुझे भी पता चल जाएगा कि आप कितना मेरे बीच वीडियो देख के समझ रहे हो तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है डैट इज फर्स्ट पार्ट ये फंक्शन पास टू द यूज स्टेट एंड द सेट स्टेट रनस ट्वाइस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट मोड टू प्रिवेंट डेवलपर्स फ्रॉम रनिंग साइड इफेक्ट जब हम यूज इफेक्ट हुक पढ़ेंगे तब मैं आपको साइड इफेक्ट बताऊंगा बट मैंने ऑलरेडी आपको ये दिखाया था कि हमें डेटा दो दो बार मिलता है उसके पीछे का क्या रीज़न है वो भी मैंने आपको दिखाया था रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट में आई मीन रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड हमारे बाई डिफॉल्ट ऐप को रैप करके रखा होता है एंड गाइस सेकंड पॉइंट अगर आप देखते हो तो ये आपको साइड इफेक्ट क्या है एग्जैक्टली exactly, उसका डेफिनेशन दे रहा है बट मैं जैसे कि बोल चुका हूँ जब हम यूज इफेक्ट हुक पढ़ेंगे तब वहाँ पे आपको पता चल जाएगा साइड इफेक्ट क्या है बस अभी आप इतना समझ लीजिए कुछ भी uh, आपके एप्लीकेशन में चेंज हो रहा है या इंटरेक्शन हो रही है जो कि आपके जो फंक्शन या जो ब्लॉक ऑफ कोड की स्कोप के बाहर है या उसके बाहर हो रही है तब वो हो रहा है बिकॉज ऑफ साइड इफेक्ट्स एंड यूज इफेक्ट इसमें बहुत काम आता है तब आपको तब पता चल जाएगा देन देन थर्ड पॉइंट आप देख लीजिएगा इस ये जो पॉइंट है ये सब ऐसे पॉइंट है जो आपको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करेगा जैसे रियक्ट डॉट जेस कंपेयर करता है प्रीवियस स्टेट को अपने न्यू स्टेट से यूजिंग ऑब्जेक्ट डॉट इज मैथड अगर उनको मिल गया दोनों सेम है तो कोई री re रेंडरिंग नहीं होती है क्योंकि हर बार हमें क्या लगता है हर बार यही लगता है ना कि अपडेट चेंज आई मीन स्टेट वेरिएबल की वैल्यू जब चेंज होती है समझ रहे हो स्टेट वेरिएबल की वैल्यू जब चेंज होती तब वो री re रेंडर होता है बट रीरेंडर re करने से पहले वो चेक करता है कि ये जो पर्टिकुलर कोड आपको देख रहा है ऑब्जेक्ट डॉट इज मेथड की मदद से कि जो अपडेट आई मीन जो भी वैल्यू अपडेट हुई है क्या दोनों अलग है या नहीं अगर दोनों सेम है तो फिर क्या रिडेंडर re करोगे समझ रहे हो तो उस पर्टिकुलर मोमेंट में फिर री re रेंडर नहीं होता है तो ये आपसे कोई पूछ सकता है कि हमेशा री re रेंडर होगा एंड अगर जो न्यू स्टेट है एंड देन जो प्रीवियस स्टेट है उनको चेक कौन कर रहा है किस बेसिस पे री रेंडर हो रहा है तो वो ये चेक कर रहा है एंड गाइस लास्ट पॉइंट आप पढ़ लीजिए आई होप एटलीस्ट ये चारों के चारों पॉइंट ऐसे थे जो शायद आपको ना मालूम हो बट फाइनली आज आपको पता चल ही गया है ना एंड दैट इज़ की जो रिएक्ट डॉट जेज जो है ना हमारे जितने भी सेट स्टेट्स हैं जो बेसिकली हमारे अपडेटेड फंक्शन है उनको बैच करके रखता है इनसाइड इवेंट हैंडलर्स एंड रन देम एट द सेम टाइम तो हर बार ऐसा हुआ है कि आप में से बहुतों ने सेट स्टेट अपने कोड uh, लिखा है ना आपने सेट स्टेट का कोड लिखा लेट से यहाँ तो कहीं आप अपडेट नहीं करे बट आप यहाँ पे लेट से आप एक फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो हैंडल इंक्रीमेंट करके ठीक है हैंडल इंक्रीमेंट आप यहाँ पे जाओगे const हैंडल इंक्रीमेंट इस तरीके से है ना आप क्या करोगे यहाँ पे वही सेट काउंट की वैल्यू में काउंट प्लस वन कर दोगे एंड ठीक इसी के नीचे कंसोल डॉट लॉक काउंट पास कर देते हो आप इस तरीके से है ना तो ये की एंड देन आपने ये कर दिया एंड इसको मैं कॉपी करके इसको मैं बाहर पेस्ट कर दे रहा हूँ तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से इनर ठीक है एंड यहाँ पे मैं आपको ये इस तरीके से कर देता हूँ आउटर ठीक है एंड लेट से क्या होता है मैं यहाँ पे चलता हूँ कोड ओवर वही इसको मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ फिलहाल अभी जीरो है आउटर एंड देखो इनर तो मुझे मिलेगा भी नहीं बट द मोमेंट मैं वो कर रहा हूँ ये देखो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो क्या हो रहा है हर बार इनर मुझे वो वैल्यू मिल रहा है जो मेरा पहले आउटर था समझ रहे हो मतलब आपको लग रहा होगा कि यार ये मुझे डेटा क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे अपडेट क्यों नहीं हो रहा है बट ऐसा नहीं होता है समझ रहे हो देखो ना हालांकि सेट काउंट करने के बाद ही मैंने कॉल किया है ना तो इसकी वैल्यू अलग है इसकी वैल्यू मुझे अलग मिल रही है तो ये यहाँ पर वही बताया है सो इफ यू ट्राई टू एक्सेस दी वैल्यू इमिडिएटली आफ्टर सेटिंग ए स्टेट देन यू विल गेट ओल्ड वैल्यू एज इट्स ए सिंक्रोनस तो आई होप बहुत सारी चीज़ें जो आए आज आपको पता चली होगी कि हर बार रीरेंडर नहीं होता है ऑब्जेक्ट डॉट इज मैथड है जो चेक कर रहा है देन द मोमेंट आप इस तरीके से डेटा पाने के लिए अगर कंसोल करते हो तो आपको ऑलवेज मिलता ओल्ड वैल्यू ही है समझ रहे हो एंड साइड इफेक्ट्स के बारे में आपको पता चला होगा क्यों दो बार रन करता है वो आपको पता चला होगा तो गैस फाइनली कल का वीडियो बहुत ही ज्यादा औसम होने वाला है क्यों कल के वीडियो में मैं आपको चैलेंज देने वाला हूँ एंड वो होगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के ऊपर ही लेकिन उसमें कुछ चीज़ है एक्स्ट्रा जो मैं आपसे करवाने वाला हूँ तो गाइज मिलता हूँ मैं अब आपको कल की वीडियो में आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर कीजिएगा दोस्तों को भर भर के शेयर कर दीजिएगा नाव अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है वन मिलियन सब्सक्राइबर सो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दीजिएगा मिलता हूँ मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में टिल देंग गाइज थैंक यू सो मच टेक केयर